दोस्तों और फाइव कंफ्यूजिंग टर्म्स लेके मैं आ गया हूँ। दोस्तों रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी में चेंज आते हैं, कुछ वेरिएशन आता है, तो उसके लिए उस डिफरेंट वेरिएशन को डिफरेंट टर्म्स दे गए हैं। उस टर्म्स में से मैंने फाइव टर्म्स लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। उस फाइव टर्म्स को मैंने लास्ट में शॉर्ट ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो आप याद रख लेना। वो फाइव टर्म्स है एनिसोसाइटोसिस, स्टोमेटोसाइट्स, पोइकिलोसाइटोसिस, एलेक्टोसाइट्स ऑब्लिक ओयलोसाइट्स, लेप्टोसाइट्स ऑब्लिक टारगेट सेल। तो इन फाइव टर्म्स के बारे में आए वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस यानी जब आरबीसी की साइज में कोई वेरिएशन आ जाता है, आरबीसी के साइज में कोई चेंजेस आते हैं, तो उसे कहते हैं एनिसोसाइटोसिस। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट साइज के आरबीसी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस यानी वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी के शेप में कोई वेरिएशन आता है तो उसे कहा जाता है पोइकिलोसाइटोसिस। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो आरबीसी के जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट टर्म है स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट्स तो इसमें सेंट्रल पोलर ओवल जैसा आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल पोलर ऑयल जैसा आपको देखने को मिलता है तो उसे कहते हैं स्टोमेटोसाइट्स। नेक्स्ट टर्म है लेप्टोसाइट्स ऑब्लिक टारगेट सेल्स। तो इसमें आरबीसी है वो कप या बेल या हेड, ये तीनों में से कोई एक जैसा आपको दिखने को मिल रहा है, या कोई तीनों कप बेल हेड ये तीनों के आकार आपको ये लेप्टोसाइट्स या टारगेट सेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टर्म से एलेक्टोसाइट्स ऑब्लिक ओवलोसाइट। ओवलोसाइट से आपको याद रह जाएंगे कि ओवल जैसा शेप आरबीसी का देखने को मिलेगा। एलेक्टोसाइट्स, एलेक्टोसाइट्स और ओवलोसाइट्स, तो वो एलेक्टोसाइट से याद रखना है कि जो आरबीसी है उसका शेप सिगार जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने इमेज में एरो का निशान देके आपको बताया है कि ये है सिगार शेप। फर्स्ट है एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस को याद रखने के लिए हमें याद रखना है एनी साइज, एनी साइज। एनिसोसाइटोसिस से लिया है हमने एनी और साइज से लिया है साइज, तो एनी साइज। नेक्स्ट है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस में हमें याद रखना है पोइ से याद रखना है, यहाँ पे पोइ लिया है तो ये है पोइ, और शेप में चेंजेस आता है तो उसके लिए हमने लिया है शेप, और इसमें पोइ तो पोइ में पी आता है और शेप में भी पी आता है, तो इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं पोइ शेप। नेक्स्ट टर्म है स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट में सेंट्रल पोलर ओवल होता है तो उसे याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। स्टोमेटो से हमने बनाया है टोमेटो और सेंट्रल पोलर से लिया है सीपी ओवल, टोमेटो सीपी ओवल। नेक्स्ट टर्म है लेप्टोसाइट्स ऑब्लिक टारगेट सेल्स। तो इसमें हमें याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे लेप्टो, जब लेप्टो बोलते हैं तो लेप्टो यहाँ टी से हमें यह ले लेना है टारगेट, लेप्टो टारगेट, टारगेट। जब हमें टारगेट मिल जाता है तो क्या मिलता है, जब टारगेट क्रिकेट में जब टारगेट हासिल हो जाता है तो क्या मिलता है, कप मिलता है, और क्या बचता है, बेल बचता है, रैंक बेल, और हम कैप पहन लेते हैं, हेट पहन लेते हैं। तो इस तरह हमें याद रखना है लेप्टो टारगेट लुक लाइक अ कप, यानी कप बेल हेड। लेप्टो टारगेट, टारगेट मिला तो कप मिला, बेल बजा, हेड पहना।
नेक से एलिप्टोसाइट्स ऑब्लिक ओवलोसाइट, ओवल से तो हमें याद रह जाएगी कि ओवल शेप। एलिप्टो, एलिप्टो में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिप, तो लिप लिप के बीच जब सिगरेट पीते हैं तो लिप के बीच वो लिप दोनों लिप के बीच में रहते हैं, तो उसे याद रखना है लिप्स सिगार, लिप्स सिगार, एलिप्टोसाइट्स लिप्स सिगार। तो इस तरह मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, यदि आपको अच्छा लगे तो ये याद रखना, अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे वो याद रखना। थैंक यू।